तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय रायपुर के YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन हमारे द्वारा किया गया था, और उसमें हमने देखा था कि एक पृथ्वीराज राजो रासो एक पुस्तक है, उसमें एक मत दिया गया था कि राजपूतों की उत्पत्ति का जिस उत्पत्ति है वो यज्ञ किस कुंड से हुई थी, और वो माउंट आबू में हुआ था यज्ञ, और करने वाले थे ऋषि वशिष्ठ। उसमें हमने देखा कि चार व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, उनमें परमार है, प्रतिहार है, चौहान और चालुक्य। चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है। तो जो गुजर वंश की जो उत्पत्ति है उसका परिचय हमें पिछली बार कक्षा में प्राप्त हो गया था। तो इस कक्षा में हम पढ़ेंगे मंडोर के जो गुजर राजवंश हैं, गुजर प्रतिहार वंश है, उसके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। गुजर प्रतिहार जो शब्द है, प्रतिहार का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। और इनको द्वारपाल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कि यह इनका जो राज्य था भारत के पश्चिमी सीमा पे था। कहाँ पे था? पश्चिमी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा पे था। और जो भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे पहले उनको प्रतिहारों से संघर्ष करना पड़ता था। तो विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने के कारण या भारत के द्वार पे खड़े रहने के कारण, भारत की रक्षा करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? प्रतिहार। दूसरा इसमें शब्द आया गुजर। गुजर एक गुर्जरात्र क्षेत्र था। गुजर शब्द क्या है? एक क्षेत्र का क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उस क्षेत्र का नाम गुजरात्र। और ये क्षेत्र कहाँ था? जोधपुर के दक्षिणी भाग से लेकर गुजरात तक जो फैला हुआ क्षेत्र था उसको प्राचीन काल में उस समय गुजरात्र क्षेत्र कहा जाता था। इसलिए इनको इस वंश को क्या कहते हैं? गुजर प्रतिहार वंश। गुजरात्र प्रदेश में निवास करने के कारण 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदेशी आक्रमणों से भारत के पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करने के कारण ये क्या कहलाए? प्रतिहार। गुजर क्षेत्र में रहने के कारण गुजर कहलाए, और उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की सुरक्षा करने के कारण ये क्या कहलाए? प्रतिहार। प्रतिहार मतलब द्वारपाल, जो द्वार पे खड़ा रहता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनको प्रतिहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। इसके वंशज मानते थे लक्ष्मण के, और लक्ष्मण ने क्या काम किया? लक्ष्मण क्या है कि श्री राम के साथ जब वनवास में थे तो एक तरह से श्री राम की जो कुटिया होती थी या उस कुटिया पे जो वन में जो कुटिया होती थी उनके ऊपर द्वारपाल का काम करते थे, एक रक्षक का काम करते थे। इसलिए ये अपने आप को क्या कहलाते थे? प्रतिहार। कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर ने गुजर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी दी। इस वंश के बारे में सबसे पहले जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, इन पुस्तकों के लेखक है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। उन्होंने अपनी जो पुस्तकें हैं इनमें उन्होंने सर्वप्रथम इस वंश के बारे में जानकारी दी। राजपुताने में पश्चिमी भूभाग पर गुजर प्रतिहार राजवंशों का एकाधिकार स्थापित हुआ। सर्वप्रथम राजपुताने के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर इस वंश की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी में गुजरात राज्य में इस राजवंश की स्थापना हुई। यह राजवंश भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज होना स्वीकार करते हैं। ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? लक्ष्मण का वंशज। इस कारण ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सूर्यवंशी। दूसरे में जिसका इनको जानकारी है गुजर प्रतिहारों के बारे में, जो जानकारी के जो स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है ग्वालियर अभिलेख। क्या है? नागभट्ट का ग्वालियर अभिलेख। इस वंश के शासक वत्सराज को क्षत्रिय बताया गया। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों के जो राजा एक शासक हुए थे वत्सराज, और उनको क्या कहा गया? इसमें क्षत्रिय कहा गया। राजशेखर ने गुजर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल को रघु के कुल या श्री राम के कुल का बताया गया है। श्री राम का वंशज बताया गया है, रघु के वंशज बताए गए। जिस वंश में राम का जन्म होता उसी वंश को यह बताया गया कि प्रतिहार भी उसी वंश से संबंधित थे। ये कौन कह रहा है? राजशेखर। अनेक इतिहासकारों ने गुजर प्रतिहार राजवंश के राजाओं को सर्वप्रथम मारवाड़ के होना बताया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति गुजरात में हुई, कुछ मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति मारवाड़ में हुई।
मारवाड़ के पश्चात इन्होंने उज्जैन और कन्नौज के ऊपर एकाधिकार स्थापित किया। जोधपुर के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी में इस वंश के राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया। सर्वप्रथम इस वंश के जो राज्य स्थापित किया वो कब किया था, छठी शताब्दी में। यह किससे जानकारी मिलती है, जोधपुर में जो शिलालेख प्राप्त होते हैं उन शिलालेखों से हमें यह जानकारी मिलती है। और जिस क्षेत्र में इन्होंने शासन स्थापित किया वो क्षेत्र था गुर्जर त्रा। चीनी यात्री जो हेंगसांग है गुर्जर प्रत्यार वंश की राजधानी पीनमाल मानते हैं, जो वर्तमान में जालौर में है। और उसको क्या कहते हैं, पीली बोलो। उस भीनवाल को क्या कहता है हेंगसांग अपने पुस्तक में, पीली बोलो। हेंगसांग की पुस्तक आप पता ही है, मैंने प्राचीन भारत का अध्ययन किया था जब पढ़ा था। सी यू की नामक पुस्तक हेंगसांग के द्वारा लिखी गई थी, भारत भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी सी यू की। उसमें इन्होंने गुर्जर प्रत्यार जो वंश है उस वंश को का जो प्राचीन क्षेत्र है वो क्या मानते हैं, भीनवाल का क्षेत्र, और उसकी राजधानी भीनवाल बताते हैं। और गुर्जर प्रत्यार इस भीनवाल को वो कहता है पीली बोलो, पीली बोलो के नाम से पुकारता है, अपनी पुस्तक में इसका वर्णन करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है प्रत्यारों के बारे में वो घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, घटियाला अभिलेख। जोधपुर समाचार, इसी प्रकार मुंबई गजेटियर ने, जोधपुर समाचार पत्र मुंबई गजेटियर ने भी गुर्जर प्रत्यार वंश के राजाओं को एक विदेशी जाति के रूप में स्वीकार किया, उनका राज्य राजपूताने के पश्चिमी भाग में स्थापित किया। और उनके अनुसार कहा कि भाई इन्होंने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया, राजपूताने के पश्चिमी क्षेत्र में। मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रत्यार वंश की 26 शाखाओं को उल्लेख किया, ये ध्यान रखना भाई। मुणोत नैन्सी ने एक पुस्तक लिखी थी मुणोत नैन्सी रिख्यात, और उसमें जोधपुर की जो इतिहास उन्होंने लिखा उनमें उन्होंने बताया कि प्रत्यारों की कुल कितनी शाखाएं थी, 26। गुर्जर प्रत्यार वंश के शासकों के लिए वाहू का शिलालेख महत्वपूर्ण है माना जाता है। इस शिलालेख में एक ब्राह्मण पुरुष हरिश्चंद्र और क्षत्रिय रानी भद्रा की संतान बताया गया है। इस जो अभिलेख है उसमें बताया गया है कि इनके जो पूर्वज था, सबसे पूरा प्राचीन व्यक्ति था, आदि पुरुष था, वो था हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के दो रानियां थी, एक ब्राह्मण रानी थी, एक क्षत्रिय रानी थी। तो प्रत्यारों की उत्पत्ति क्षत्रिय रानी भद्रा से हो गई। कौन मान रहा है, ये वाहुक अभिलेख। वाहुक अभिलेख में यह वर्णन किया गया कि जो प्रत्यारों की उत्पत्ति एक ब्राह्मण ब्राह्मण पुरुष था हरिश्चंद्र, और उनके एक क्षत्रिय रानी थी रानी भद्रा, और इन भद्रा की संतान ही बाद में क्या कहलाई, प्रतिहार कहलाए। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों के द्वारा हुई है। राजा हरिश्चंद्र जो इनके पहले राज शासक भी माने जाते हैं, आदि पुरुष भी माने जाते हैं, गुर्जर प्रत्यार वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मांडल्यपुर या मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रत्यार राज्य की राजधानी बनाई। मंडोर को या मांडल्यपुर को जीता और मंडोर में अपनी राजधानी उन्होंने स्थापित कराई। इसके पश्चात कमजोर शासकों की को की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश की जो कुलदेवी है वो चामुंडा माता, जिनका मंदिर अभी जोधपुर में है। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्यार वंश था, जिसे हमने बताया कि उनको इनकी उत्पत्ति प्रारंभ में पढ़ा था, पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए उनको अग्निवंश का भी अग्निकुल का भी माना जाता है। और उनमें चार राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी, परमार है, प्रत्यार है, चौहान है और चालुक्य है, जिनको हम चालुक्यों को हम सोलंकी भी कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इन चारों वंशों में प्रत्यार वंश था, जो गुर्जर की गुर्जरी शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रत्यार कहा जाता है। पुलकेशी द्वितीय के अहोलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख है। किसी अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर जाति का जो उल्लेख है वो कहाँ हमको मिलता है, एहोल अभिलेख में। किसका अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति के द्वारा की गई, किंतु इस वंश का वास्तविक और पहला सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ था वो हुआ था नागवट प्रथम। नागवट प्रथम के बाद हुए थे वत्सराज, और वत्सराज ने ही सर्वप्रथम कन्नौज के लिए
त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, जिसमें कन्नौज को लेकर तीन राजवंशों में संघर्ष होता है। कौन कौन से तीन राजवंश थे? प्रथियार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। प्रथियार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों को कन्नौज को लेकर जो संघर्ष हुआ वो त्रिपक्षीय, इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत हुई वो वत्सराज के द्वारा की गई, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारी विजय हुए, कन्नौज को जीतने में वही सफल हुए। अब हम देख लेते हैं कि इस वंश के प्रमुख प्रमुख जो राजा थे, कौन कौन से शासक इस वंश में हुए। सबसे पहला जो शासक हुआ वो हुआ था महत्वपूर्ण शासक हरिश्चंद्र के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक हुआ था नागभट प्रथम। नागभट प्रथम का जो शासन था 730 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरे राजा जो महत्वपूर्ण शासक हुए वत्सराज, 783 से लेकर 795 तक शासन किया। तीसरे महत्वपूर्ण जो शासक हुए थे वो हुए थे नागभट द्वितीय, ये नागभट प्रथम ये नागभट द्वितीय, जिन्होंने 795 से लेकर 833 तक शासन किया। इसके बाद एक कमज़ोर शासक हुए रामभद्र, रामभद्र के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए मिहिर भोज। कौन हुए? मिहिर भोज, जिनकी उपाधि थी आदिवरा। ये बहुत महत्वपूर्ण और शासक हुए, सबसे वीर शासक जो इस वंश के थे मिहिर भोज, सबसे प्रसिद्ध शासक। इसके बाद महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के बाद महीपाल प्रथम, महीपाल के बाद राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और अंतिम जो शासक थे इस वंश के वो थे यशपाल। कौन थे? यशपाल। तो ये महत्वपूर्ण शासक जो इस वंश में हुए थे। इनमें से हमारे जो अध्ययन का विषय है वो क्या है? नागभट जो अपने सिलेबस में है नागभट द्वितीय, और दूसरा है मिहिर भोज, नागभट द्वितीय और मिहिर भोज, तो हम इनका अध्ययन करेंगे। नागभट द्वितीय, वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट गद्दी पर बैठा और उन्होंने शासन 795 से लेकर 833 तक शासन किया। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपने, उसने प्रथियार साम्राज्य की राजधानी बनाया। अन्य बहुत से विजय प्राप्त किए। गुजर प्रथियार वंश के शासकों ने इस को साम्राज्यवादी नीति का परिचायक कहा जाता है। इनकी उपाधि थी परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वरीय उपाधि इन्होंने धारण की। इनके पुस्तक लिखी वली प्रबंध, और इनकी मृत्यु कैसे हुई? गंगा में इन्होंने जल समाधि ले ली। इसके बाद जो महत्वपूर्ण और शासक थे वो शासक थे मिहिर भोज। ये इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे भाई, मिहिर भोज। अपने पिता राम की हत्या कर मिहिर भोज प्रथियार साम्राज्य का शासक बना, क्योंकि रामभद्र था वो बहुत कमज़ोर था, रामभद्र रामदेव तो वो बहुत कमज़ोर था। उसका मूल नाम मिहिर था और भोज कुल नाम या उपनाम मिहिर भोज प्रथम इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। मुहैन नाम क्या था? मिहिर था। भोज उन्होंने अपने नाम के आगे जोड़ा तो वो कहलाए मिहिर भोज। उसने चंदेलों को परास्त करके बुंदेलखंड पर पुनः गुजर प्रथियारों की सत्ता स्थापित की। पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि चंदेलों को पराजित किया। रामभद्र के शासनकाल में मंडोर के प्रथियारों ने गुजर रत्रा भाग पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु भोज ने अवसर मिलते मंडोर के प्रथियारों को पराजित किया तो राजपूताने पर पुनः अपना अधिकार कायम किया। इसकी पुष्टि 846 ईस्वी के दौलतपुर लेख और प्रतापगढ़ अभिलेख से होती है। इसके अतिरिक्त कल्लण और अरब यात्री सुलेमान, कल्लण और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी हमें उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। भोज को अपने समय के दो प्रबल शक्तिशाली पाल नरेश देवपाल और दूसरा राजकूट नरेश ध्रुव, जैसा कि हमने पहले बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो गई थी वत्सराज के समय तक, और ये संघर्ष लगभग 200 सालों तक चलता रहा। तो इसको जो मिहिर भोज है उसके समय पाल राजा थे वो देवपाल थे और राजकूट वंश के राजा थे ध्रुव। तो इनके मध्य युद्ध हुआ। भोज प्रथम अपनी साहित्य अभिरुचि के कारण और वैष्णव धर्म को संरक्षण देने के कारण भी याद किए जाते हैं। उनके कुछ सिक्कों पर विष्णु के अवतार वराह के चित्र मिलते हैं और आदि वराह की उपाधि वो धारण करते थे। खुद के लिए जो उपाधि उन्होंने धारण की थी वो थी आदि वराह। भोज वैष्णव धर्मानुयायी थे
उसने आदिवरा तथा प्रभास जैसी उपाधियाँ, दो महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं भाई आदिवरा और प्रभास छोटा की, उसने बनता है मिहिर भोज की दो उपाधियाँ पर लिखिए, उनके नाम लिखिए आदिवरा और प्रभास। उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए जिनको द्रम कहा जाता है, चांदी के नवीन प्रकार के सिक्के चलाए। राजकोट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार प्राप्त किया। मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व करना राजकूटों को वास्तविक उपदेश्य था, तो इस राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को उसने पराजित कर दिया जो मालवा और गुजरात पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। इसी के साथ आज के हमारी क्लास संपन्न होती है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।